सभी को नमस्कार। मैं आरती प्रजापति, 6 नंबर वार्ड कादीपुर, महिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज खास विषय पे मैं लाइव आई हूँ और जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरी बात आगे तक पहुँच जाए। देखिए, आज आपको पता है कि 15 साल से MCD में भाजपा है, 15 साल से निगम में BJP सरकार बैठी है और ये आप बहुत ही बेखूबी से जानते हो। जैसे कि आपको पता है नगर निगम में कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना नालियां साफ हो रही हैं और ना ही कचरा उठ रहा है। आज आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, 6 नंबर वार्ड में IP कॉलोनी में जो कि कचरा रोड पे पड़ा रहता है और वो कचरा बहकर नाले में आता है और नाले में जैसे ही पानी का जल भराव होता है वैसे ही वो कचरा रोड पे आ जाता है। ऐसा ही एक रोड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वो रोड है जो कि मैं ये नक्शा में नहीं है, ये जो रोड है ये नक्शा में नहीं था, इसकी वजह से अभी ये रोड बना नहीं है। लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजीव झा ने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया है और शीघ्र ही जल्दी से काम चालू करने का आश्वासन दिया है कि ये नक्शे में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं अपने फंड से इस रोड को बनवाऊंगा और यहाँ के लोगों को जल्दी से एक खुशखबरी मिलेगी। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि जल भराव इतना गंदी तरीके से हो गया है यहाँ पर कि ना तो इंसान निकल सकता है। जितने भी यहाँ घर बने पड़े हैं, अगर वो दुकान पे जाना, यहाँ पर एक भी गली में परचूने की दुकान नहीं है। यहाँ पर ये सारा कूड़ा दूर से पता नहीं दिखेगा नहीं, ये देखो यहाँ पर कूड़ा फेंक देते हैं लेकिन वो कूड़ा उठता नहीं है और वो कूड़ा बहकर नाले में आ जाता है और जैसे ही बारिश होती है वैसे ही वो। ये हमारे साथ में प्रेमचंद भैया हैं IP कॉलोनी से, ये भी आए हुए हैं। इनकी गली का बुरा हाल है, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर जल भराव हो गया है। और हमारे श्री संजीव झा जी के नेतृत्व में अब इस गली का भी विकास होने वाला है जल्द से जल्द। और यहाँ पर फ्लड डिपार्टमेंट से बोल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग रह गए हैं, उन्हें बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। उन लोगों से बोल दिया गया है कि वहाँ पर अभी कुछ, क्योंकि बारिश है अभी काम चालू नहीं हो सकता है, लेकिन फ्लड डिपार्टमेंट को हमारे युवा अध्यक्ष जो हैं जय रौनक ठाकुर, उन्होंने भी फ्लड डिपार्टमेंट से बात करी है। हमारे भाई ने भी, संजीव भैया ने भी बात करी है और लोगों ने भी बात करी है। तो वो जल्द से जल्द यहाँ पर कट्टे लेके आएंगे जो कि मिट्टी से भरे हुए कट्टे हैं, जो मोटे मोटी रोडियों से भरे हुए कट्टे लेके आएंगे जो कि यहाँ लगा देंगे, बाउंड्री बना देंगे उसकी। तो जो पानी, जो नाले का पानी है वो यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पर इतना बुरा हाल है, आप दूर दूर तक देखते हो इतना बुरा हाल है इस रोड का, क्योंकि ये रोड नक्शे में नहीं है और ये रोड अभी नहीं बन सकता है इसकी वजह से। लेकिन हमारे यहाँ पर विधायक जी आए थे दौरा के लिए, उन्होंने दौरा किया था और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है यहाँ के लोगों को कि जल्द से जल्द ये काम, शीघ्र ही काम होगा और यहाँ पर ये रोड बनेगा। इसकी 2-2 फुट या 1.5-1.5 फुट यहाँ की बाउंड्री होगी और यहाँ के लोगों को जल्द ही एक खुशखबरी मिलेगी। लेकिन हमारे विधायक जी ने इतना अच्छा एक लोगों को मैसेज भी दिया है कि देखिए, वोट हर जगह मिलती है, लोग देते हैं वोट को, और अगर वोट देते हैं तो उनके लिए सुविधा भी होनी चाहिए। ये अगर नक्शे में नहीं है तो इस रोड को भी फिर भी बनवाएंगे हम लोग और यहाँ के लोगों को जल्दी से खुशखबरी मिलेगी। तो लेकिन हम ये बताइए, अगर BJP सरकार के जो यहाँ के निगम पार्षद हैं इतने ढीठ हैं कि वो कचरे को, यहाँ पर गाड़ी नहीं आती है कचरे की, तो अब ये बताइए उनका, उनके साथ क्या किया जाए। उनका एक ये फर्ज बनता है कि जो नाली में जो कचरा है उसे निकाल कर हर हफ्ते उसे साफ किया जाए, या हफ्ते में निकल रहे 15 दिन में साफ किया जाए, ताकि पानी का जब बहाव होता है, पानी जैसे अब जल भर गया है, तो उनको
वो गली साफ करनी, जैसे गली पे, जैसे अब बहुत से लोग होते हैं, सबको हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर वो कूड़ा गली के बाहर फेंक देते हैं, हमने वैसे ये अभियान भी चलाया था साफ सफाई का भी, तो अगर वो लोग कर देते हैं ये काम को, तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो उस कूड़े को उठा के लेके जाएं। तो मैं बस यही लोगों से कहना चाहूंगी कि अपने यहाँ घर के आसपास भी साफ सफाई रखें, और अगर ढीठ भाजपा के निगम पार्षद नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर की साफ सफाई रखें, उस कूड़े को ऐसी जगह फेंक के आएं, गाड़ी से जाएं या किसी भी बाइक वाइक से ऐसी जगह फेंक के आएं जहाँ पर जैसे कि मच्छर ना हो, डेंगू ना हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इतनी गंदा हाल है, बहुत गंदा हाल है, उन लोगों ने मुझे बुलाया। तो भैया अपने प्रेम भैया कुछ कहना चाहोगे भैया? बस हमारा तो ये गुजारिश है कि ये जो रास्ते खराब हैं या जहाँ पानी भर रहा है, MCD से सबसे कहना ये है कि रास्तों को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। लोगों की जो परेशानी है, जैसे आपने अभी सारा कुछ बयान किया ही है, किसी को परचून की दुकान पे जाना, कुछ सामान लाना है, अब इतने पानी में भर के उसमें बीमारियां दुनिया भर की फैलेंगी, कीड़े मकोड़े, उसके बाद से फिर गंदगी दुनिया भर की सब कुछ है। तो ये मानते हो बीजेपी को, बीजेपी के लोगों को ये करना चाहिए, यहाँ पर साफ सफाई करवानी चाहिए, साफ सफाई कूड़े गाड़ी आनी चाहिए, जो हमारी गलियों में भी कतई नहीं आती है, आती भी है 2 सेकंड के लिए रुकती है चली जाती है, जब तक आदमी घर से निकले तब तक वो चली जाती है गाड़ियाँ। तो मतलब यही है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब गाड़ियाँ तो वैसे ही बस नाम के लिए दिखती हैं, जैसे कि बरसाती मेंढक दिखते हैं वैसे ही वो दिखती हैं गाड़ियाँ। तो देखिए बहुत ही समस्या है लोगों की, और बहुत ही गंभीर भी समस्या है, तो इस पे लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, और यहाँ के जो 6 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो सभी भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, देखिए जो हमारी आम आदमी पार्टी सरकार है वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रही हैं। गलियां जो बनी नहीं हुई थी ये लगा लीजिए, जो 10 साल से गली नहीं बनी थी वो गलियां बन गई हैं, सिर्फ 2 या 4 गलियां रह गई हैं जो कि नक्शे में नहीं है, और उनका भी शीघ्र काम चालू होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भैया, हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है IP कॉलोनी को, के रोडों को बनवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।